हेलो एवरीवन। चलिए जो है आज हम इस वीडियो में समझेंगे राइट इशू के बारे में। सो अभी एक स्टॉक का एक कंपनी का जो है राइट इशू आया है। सो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर ये राइट इशू है क्या या इसके इसको लेके क्या किया जाए। सो इसके बारे में हम डिटेल समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं स्टॉक का नाम बता देता हूँ जिसका राइट इशू आया है, और वो है स्टॉक SRU स्टील। SRU स्टील। तो मैं इसका एक बार चार्ट भी ओपन कर देता हूं आपके सामने, SRU स्टील का। सो ये स्टॉक है, आप देख सकते हो SRU स्टील, और ये स्टॉक का करंट प्राइस में 12 रुपए के आसपास चल रहा है, 12 रुपए 11 पैसे का करंट प्राइस चल रहा है। सो ये स्टॉक ने राइट इशू लेके आया हुआ है, इसी के बारे में हम समझने वाले हैं। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो इस समय करेंटली आपके डीमेट अकाउंट में 2 SRU स्टील दिख रहा होगा। एक यानी आपके पोर्टफोलियो में एक तो होगा SRU स्टील करके, जो कि नॉर्मली आपके पास जितने शेयर्स होगा उतना दिखे। जैसे मेरे पास इसमें 500 शेयर्स है SRU स्टील के, तो 500 शेयर मुझे SRU स्टील का दिख रहा है। दूसरा जो है SRU स्टील लिमिटेड करके इस तरह से आपको RE करके आएगा, RE। सो RE क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, या इसे क्या करना है, कितने शेयर्स आपको मिलेंगे, इस तरह से डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, सो चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं मेल के ऊपर। तो मुझे एंजल वन की तरफ से मेल आया है, क्योंकि मेरे पास एंजल वन का डीमेट अकाउंट है। और अगर आपके पास डीमेट नहीं है या एंजल वन का नहीं है तो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन करके। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ देखो लिखा है, कंग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई SRU स्टील लिमिटेड राइट इशू ऑफर विच हैज बीन अनाउंस्ड एट द रेट ऑफ 10 रुपीज, 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो आपने रेट देखा, अभी 12 रुपए का रेट चल रहा है और मुझे SRU स्टील का शेयर 10 रुपए में दिया जा रहा है। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि फिर राइट इशू में शेयर्स आपको सस्ते में दिया जाता है। चलो मैं थोड़ा राइट इशू क्या होता है इस बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ पहले, तब आपको बेटर समझ में आएगा। यानी देखो, जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है, कोई भी कंपनी है जो शेयर बाजार में है ऑलरेडी, तो जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को बाजार में लेके आती है पैसे लेने के लिए, फंड रेज करने के लिए, कैपिटल रेज करने के लिए, तब उस प्रोसेस को IPO बोलते हैं, राइट। यानी IPO के थ्रू कंपनी फर्स्ट टाइम पैसे फंड रेज करती है पब्लिक के थ्रू। दूसरा होता है FPO, यानी कि जब कंपनी को सेकेंड टाइम पैसे चाहिए होता है, IPO के बाद फिर से पैसे चाहिए अपने शेयर्स को बेच के पब्लिक में, किसमें, ओपन पब्लिक में, ओपन पब्लिक में, ओपन पब्लिक में, तब उसे FPO लाना पड़ता है। तो FPO एक प्रोसेस है, जिस तरह से IPO प्रोसेस है वैसे FPO प्रोसेस है, जिसके थ्रू कंपनी अपने शेयर्स को बाजार में सेकेंड टाइम बेच के पैसे ले सकती है। जैसे हम नॉर्मली शेयर खरीदते बेचते वैसे कंपनी नहीं कर सकती है, कंपनी को एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है अपने शेयर्स को बेचने के लिए। तो FPO इसमें से एक प्रोसेस है जिसके जरिए कंपनी IPO के बाद अपने शेयर्स को पब्लिक में ला सकती है, बेच सकती है और फंड रेज कर सकती है। इसी तरह से तीसरा एक प्रोसेस है जिसे बोलते हैं राइट इशू। सो राइट इशू भी एक तरीके से फंड रेज करने का ही प्रोसेस है कंपनी के लिए, कि भाई कंपनी अपने शेयर बेच के पैसे उठाना चाहती है तो राइट इशू ला सकती है, जिसमें कंपनी अपने शेयर पब्लिक को बेचेगा, लेकिन FPO की तरह ओपन पब्लिक को नहीं बेचेगा, यानी किसी को भी बेचेगा ऐसा नहीं है। सिर्फ वो जो शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिन्होंने इस कंपनी के शेयर लेके रखा हुआ है, उन्हीं को वो कंपनी जो है अपने शेयर्स बेच सकती है, राइट। जिन लोगों के पास अपने शेयर्स है ऑलरेडी SRU स्टील का, वही इस कंपनी के नए शेयर्स खरीद सकते हैं, सब लोग नहीं खरीद सकते, राइट। अच्छा यहाँ पे आप देखो ये अवधोसाठे आयड चल रहा है आस्था ट्रेड का, जस्ट मैं बता रहा हूँ ऐसे वीडियो में, 590 रुपीज आई ओपनर। मैंने भी थोड़ा चलो बोला चलो एक बार ज्वाइन करके देखते हैं भाई किस तरह से चीजें ये करते हैं, तो मैंने भी ज्वाइन किया। इनका जो क्लास का फीस है 76,000 फीस है क्लास का, राइट। और हम जो सिखाते हैं उसका 50% ही इनके कोर्स में है, 50% ही सिखाते हैं,
वो भी 2 दिन का सेशन है, सैटरडे संडे ऐसा करके है महीने भर में, 76,000 फीस लेके। वही चीजें हम 15 से 20 हजार रुपए में, वही चीजें नहीं उससे 2 से 3 गुना ज्यादा सिखाते हैं। प्लस जो है जैसे कि अभी इनका कोर्स किया या इवन किसी का भी, तो बाद में सपोर्ट नहीं मिलता, कोर्स हो गया क्लास हो गया आपका, आप देखो हमारा ऐसा नहीं है, हम आपके साथ जुड़ के मार्केट में आपके साथ काम कराते हैं, ट्रेड कराते हैं, या आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं मार्केट में। तो हम लोग 15 से 20 हजार रुपए में इससे बेटर कोर्स प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज स्किल हर एक चीज डेवलप करते हैं आपका, और यहाँ पे 76,000 फीस है। तो किसी करना रहेगा तो हमारे साथ जुड़ने का भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। ओके चलिए आते हैं वापस से राइट इशू के ऊपर। तो राइट इशू एक प्रोसेस है जिसके जरिए आप कंपनी जो है अपने शेयर्स वापस से पब्लिक बेचती है आईपीओ एफपीओ के बाद, लेकिन वो सिर्फ शेयर होल्डर को देती है जो जिनके पास शेयर्स होता है, और वो भी करेंट दाम जो चल रहा था उससे एकदम कम। जैसे कि अभी ऐसा दिया स्टील का 12 रुपए चल रहा है, तो ये आपको 10 रुपए में एक शेयर दे रहा है, राइट ना। सो 10 12 रुपए के जी 10 रुपए मिलेगा तो आपको फायदा हो गया कि नहीं हो गया, राइट। सो यही होता है राइट इशू। अब चलो इसके अंदर अब आपको समझ में आ गया कि राइट इशू भाई क्या होता है। कंपनी अपने शेयर्स बेच सकती है पब्लिक में, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है और उनको, राइट ना, और उनके जरिए फंड रेज कर सकती है उस पैसे से जो भी करे। देखो अब इन पैसों से क्या कर सकते, चाहे वो आईपीओ के थ्रू पैसे लेते हो, चाहे एफपीओ के थ्रू लेते हो, चाहे राइट इशू के जरिए लेते हो, तो उससे एक तो कंपनी की डेवलपमेंट कर सकती है, राइट ना। यानी कि कुछ भी भाई कंपनी को बड़ा करना है, प्लांट खरीदना है, कोई कोई नई बिजनेस को अक्वायर करना है, कुछ भी R&D करना है, नए मशीनें लाना, कुछ भी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ कुछ भी हो सकता है, राइट। या फिर कंपनी को डेब्ट क्लियर करना हो, कर्जा चुकाना हो, तो उसके लिए भी फंड रेज कर सकती है। तो ऐसे रीजंस हो सकते हैं कंपनी को पैसे रेज करने का, फंड रेज करने। चलिए चलते हैं हम देखते हैं यहाँ पे डिटेल्स। अभी अब आपको समझ में आ गया होगा, राइट ना। तो 10 रुपए पर शेयर से ये शेयर्स बेच रहे राइट इशू में। अगर आपके पास एसआरयू स्टील है तो एक बार जाके चेक करो पोर्टफोलियो, आपको आरई करके नया शेयर्स आया होगा, ओके। या जब भी कोई आपके पोर्टफोलियो में आरई करके शेयर दिखे, यानी शेयर्स का नाम हो और उसके बगल में आरई लिखा हो, तो समझ जाओ राइट इशू वाला शेयर से। इतना ध्यान रखा, आरई उसके आगे डैश दे के लिखा रहेगा तो समझ जाओ राइट इशू वाला शेयर से, ओके। अब देखो जो आप पूछ रहे थे, मैं बोला था आरई क्या क्या होता है, यहाँ देखो दिया है राइट्स इंटाइटलमेंट। यानी आरई क्या होता है, राइट्स इंटाइटलमेंट, माने कि समझो एक तरीके से आपको राइट इशू वाला शेयर आपके पोर्टफोलियो में दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑन एप्लीकेशन द एप्लीकेंट विल हैव टू पे 10 रुपीज पर राइट इक्विटी शेयर, एक शेयर के बदले 10 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, विच कंस्टिट्यूट 100% ऑफ द इशू प्राइस, राइट। यानी कि जो भी जितने भी शेयर्स होगा उसका 100% पैसा आपको पे करना होगा। एक काम करते, देखो यहाँ पे आप मुझे दिया है भाई, मेरे पास ये देखो मेरा मेल आईडी मेरा दिखा हुआ है कि मेरे मेरे पास 500 शेयर्स थे, तो उसके लिए मुझे 2000 शेयर्स ऑफर किया जा रहा है, यानी मैं 2000 शेयर्स के लिए एलिजिबल हूँ, राइट। अब यहाँ देखो लास्ट डेट टू अप्लाई राइट इशू 24 सितंबर, ऐसा लास्ट डेट दिया है। आप यहाँ देख सकते हो इसके ये आरी लगा है शेयर्स के नाम के आगे, राइट। तो 24 तारीख से पहले मुझे ये अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो लिखा, हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द राइट इशू वाया ASBA, यानी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। जैसे कि हम आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हमारा पैसा ब्लॉक होता है ना, उसी तरीके से। तो उसका वेबसाइट है SCSBS करके, उस वेबसाइट से जाके जो है आप अप्लाई कर सकते हो। तो पैसे जिस तरह से आप अपने आईपीओ अप्लाई करने के लिए पैसा ब्लॉक कराते हो ना फोन पे गूगल पे से, उसी तरह से यहाँ से पैसा ब्लॉक होगा। फिर आपको शेयर दिए जाएंगे, 2000 शेयर दिए जाएंगे 24 तारीख के बाद, राइट। 24 तारीख तक अप्लाई कर सकते हो, 24 तारीख बाद आपके 2000 शेयर आपके डीमेट अकाउंट में दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इफ यू डोंट विश टू पार्टिसिपेट इन द राइट इशू ऑफर, अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है, मुझे शेयर्स नहीं लेना है, यू कुड अल्टरनेटिव, यानी कि आप इसके नहीं अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो और क्या कर सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। यू कुड अल्टरनेटली सेल रीअनाउंस योर आरई राइट इंटेलटेनमेंट आरई, यानी आप उस जो आरई आपको मिला उसे आप सेल कर सकते हो। यानी जैसे कि अगर मेरे पास वो शेयर्स दिख रहा है, देखो मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, जैसे कि मेरे पास समझो भी मैं इसमें डीमैट लॉगिन नहीं, मैं आपको दिखा देता था, राइट। सो फिर भी कुछ डाउट हो तो मुझे बात पूछ लेना, मैं दिखा दूंगा आपको। मुझे जैसे आप मेरे डीमैट अकाउंट में SRU स्टील जो है ऐसा दिखेगा, पहला तो मेरे पास 500 शेयर है जो मेन है, दूसरा मेरे पास दिखेगा SRU स्टील RE ऐसा करके लिखा होगा, और मुझे वहां पे 2000 शेयर दिख रहा होगा,
और उसका प्राइस इस समय मुझे बाइंग प्राइस जीरो दिखा रहा है कि मैंने जो बाई किया जीरो प्राइस पे, और करंट प्राइस इसमें कुछ तो 0.5 दिख रहा है, यानी 50 पैसे उसका प्राइस दिख रहा है, राइट ना। तो अब मैं इसे ना डायरेक्टली सेल कर सकता हूं। तो मुझे भाई देखो, 2000 मेरे पास शेयर है, 50 पैसे का भाव अभी चल रहा है, तो मुझे 1000 रुपए का प्रॉफिट वहां दिख रहा है। तो मे भी आपके पास है तो आपको भी दिख रहा होगा, जो भी राइट इशू, यानी आप ये वीडियो कब देख रहे हो पता नहीं, जो भी आपके पास शेयर्स होगा उसका आरी करके दिखा रहा होगा, उसमें आपको प्रॉफिट भी दिखा रहा होगा, राइट। तब यहाँ पे वही बोल रहा है, यहाँ पे यही चीज है कि आप चाहो तो इसको अल्टरनेटली सेल भी कर सकते हो, अगर आपको राइट इशू में शेयर नहीं लेना है तो यू कैन सेल ट्रेड इन द आरी इन सेकेंडरी मार्केट। जैसे आप नॉर्मल शेयर्स खरीदते बेचते हो ना, वैसे ही ये आरी वाला शेयर आप बेच सकते हो, इसको छोड़ना नहीं है। देखो यहाँ पे दिया है रिन्यूकेशन पीरियड 9 सितंबर से लेके 18 तारीख, यानी देखो 24 को हमारा आखिरी डेट है अप्लाई करने का, उससे 6 दिन पहले हमें उसको सेल करना होता है, अगर आपको सेल करने की इच्छा है तो। सो यानी कि 9 से 18 के बीच में आपको उसे सेल कर सकते हो। द ट्रांजेक्शन विल बी सेटल्ड, यानी आपके 2 दिन बाद आपको पैसे आ जाएंगे। प्लीज इंश्योर दैट रिन्यूकेशन इज कंप्लीटेड इन सच अ मैनर दैट राइट यानी आरी आर क्रेडिट टू योर डीमेट अकाउंट ऑन और प्रायर टू द इशू क्लोजिंग, यानी कि आपके डीमेट में वो जो आरी वाला शेयर है जमा कर दिया रहेगा, आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा होगा, आप उसे सेल कर सकते हो। तो करना है सेल, मैं भी सेल करने वाला हूं कल के दिन, राइट। आज तक मैंने भी कभी आरी में पार्टिसिपेट नहीं किया था राइट इशू, पहली बार जो मैं भी सेल करूंगा, तो आप भी करो। क्या करो, जो भी आपके पोर्टफोलियो में आरी वाला शेयर दिख रहा होगा उसे बेच दो, जो भी भाव होगा। कल 70 पैसे था, आज 50 पे थोड़ा कम हो गया, तो क्या करेंगे, कल अगर देखेंगे समझो 70-80 पैसे और दिखा मान लो, क्योंकि 18 तारीख तक टाइम है अपने को, 18 तारीख तक अगर बढ़ता है तो और अच्छी बात। देखो ये कब बढ़ेगा इसका भाव पता है क्या, इसका भाव जैसे जैसे ये आसारियो स्टील का शेयर का भाव बढ़ेगा वैसे इसका भाव बढ़ेगा, 18 तारीख तक और बढ़ सकता है। जैसे आज 50 पैसे, ये 1 रुपए तक भी जा सकता है, 1 रुपए गया तो आपको 2000 का फायदा हो सकता है 18 तारीख तक। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, अगर गिर गया तो ये भी गिरेगा, ये जस्ट लाइक ऑप्शन के प्रीमियम जैसा होता है, राइट। सो इसीलिए कल आप क्या करो, बेच दो इसे, समझो 1000 का प्रॉफिट मुझे दिखा रहा है तो मुझे मिल जाएगा, मेरे डिमांड अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा, और इसका कोई चार्जेज वगैरह कुछ भी नहीं लगने वाला है। समझो क्या है, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो वेबसाइट पे जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करोगे उसके बाद आपको 10 रुपए के हिसाब से, समझो मेरे पास 2000 शेयर है, तो मैं 2000 का मैं 10 रुपए के हिसाब से मैं 20,000 रुपए में पे करूंगा, तो मुझे कंपनी के 2000 शेयर जमा करके जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं चाहिए इसके शेयर्स, क्योंकि ऑलरेडी ये 12 रुपए का है, 10 रुपए में क्या करूंगा, 2 रुपए का फायदा होगा, यानी 4 रुपए का फायदा होगा मुझे, 4000 का फायदा होगा मुझे यहाँ पे, अगर मैं 10 में लेके 12 में बेच दू तो। फिलहाल वैसे ही मुझे 1000 का फायदा यहाँ मिल रहा है, जाने दो 1000 ही सही, राइट ना। क्योंकि भाई जब मुझे मिलेगा तब तक रेट गिर के 10 रुपए आ गया तो, या 9 रुपए आ गया तो, बहुत सारा राइट इशू ऐसा हुआ है, आइडिया वोडाफोन का हुआ था, बहुत सारी कंपनियों का राइट इशू सक्सेसफुल नहीं होते हैं, राइट। तो होगा या नहीं होगा पता नहीं, मुझे 1000 रुपये काफी है तो मैं 1000 रुपये में बेच सकता हूँ, राइट ना। अभी देखो आपके सामने रचना रहाने का भी ऐड दिख रहा होगा, भाई इनका ऐड चलता रहता है, बहुत पैसा लगा के ऐड रन करते हैं, क्योंकि ये लोग इसलिए फीस ज्यादा लेते हैं, इनका भी फीस करीब 50,000 रुपये है कोर्स का, वो भी बेसिक्स ऑफ मार्केट के ऑलमोस्ट फीस है। सो ये लोग फीस ज्यादा लेते हैं ऐड चलाने के लिए, अपना कोई ऐड वगैरह ज्यादा नहीं है इसलिए अपना फीस भी कम है। ओके सो यानी आप चाहो तो एसआरयू स्टील को आप बेच दो, राइट। बेचना ही है, देखो अब तीसरा कंडीशन, देखो मैंने आपको क्या बताया, पहला तो आप इसे लेने के लिए अप्लाई कर सकते हो, बराबर है कि नहीं भाई, 20,000 रुपये दो हजार शेयर आपको मिल जाएगा 10 रुपए के हिसाब से, ये आपको 24 तारीख के बाद जमा किया जाएगा, 24 तारीख तक आखिरी डेट है अप्लाई करने का। अप्लाई करना है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करो, मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। दूसरा, या मैं एक आध वीडियो बना के दे दूंगा। दूसरा है, आप इसे सेल कर दो, जो आपके अकाउंट में आरी दिख रहा है, जो आपके अकाउंट में आरी दिख रहा है उसे आप सेल कर दो, जो भी इस समय करंट प्राइस होगा, जितना प्रॉफिट दिख रहा होगा उतना आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा, आपको उसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। यानी सेल करने का मतलब क्या होता है ना, कि आपने आप बोल दिए भैया मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे राइट इशू का शेयर, मुझे तुम्हारे राइट इशू का शेयर नहीं चाहिए। अब ये चीज किसी और को भी जा सकता है, किसी और को मतलब कैसा, जैसे कि अगर आपको इस कंपनी का राइट इशू का फायदा उठाना है, मान लो जैसे भी मेरे पास इस कंपनी का शेयर नहीं है, मैंने कभी नहीं खरीदा इस कंपनी का शेयर, और मुझे इसका शेयर खरीदना है 10 रुपए में,
तो ये जैसे आप बेचोगे ना वैसे मैं खरीद सकता हूँ, जैसे नॉर्मली हम मार्केट से शेयर खरीदते बेचते हैं ना, वैसे मैं इसे खरीद भी सकता हूँ, राइट। अगर मैंने खरीद लिया तो मुझे इस समय ये 50 पैसे मिल जाएगा, कितने में, 50 पैसे मिल जाएगा, राइट। और फिर 24 तारीख के अंदर मैं बाकी 20,000 रुपये और पे कर दूंगा, यानी कि नॉर्मली जिसके पास शेयर से उसे ये चीज 10 रुपये मिल रहा है, लेकिन मुझे 50 रुपये से और पे करना पड़ रहा है ये शेयर लेने के लिए, राइट इशू लेने के लिए। तो मुझे यही शेयर 10 रुपये 50 पैसे में पड़ रहा है, बराबर है कि नहीं। मतलब मुझे 50 पैसा महंगा पड़ रहा है अगर मैं आरी के शेयर लेना चाहता हूँ तो जो ये आरी बेचेगा वही कोई और खरीद सकता है। तो ये जस्ट लाइक शेयर जैसे खरीद बिक्री करते वैसे इसमें भी होता है, तो आप चाहो तो खरीद सकते हो, आप चाहो तो बेच सकते हो। मान लो आप जैसे खरीद भी सकते हो इसको, और जस्ट लाइक शेयर में ट्रेडिंग करते हो ना बाई सेलिंग, वैसे इसमें भी कर सकते हो, लेकिन जो है 18 तारीख से पहले, क्योंकि 24 तारीख के बाद ये लैप्स हो जाएगा। समझो अगर आपने मान लो ये नहीं बेचा तो 24 तारीख के बाद अपने आप ये चला जाएगा, कुछ दिखेगा नहीं आपके डीमेट अकाउंट में, राइट। ये जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है वो भी चला जाएगा, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, इससे अच्छा सेल ही कर देना है, प्रॉफिट आ जाएगा। और दूसरा, अगर मान लो कोई बंदा जिसके पास शेयर्स नहीं है, राइट, ये सब फायदा लेना चाहता है, खरीदना चाहता है, तो वो ये 10-50 पैसे में खरीद सकता है, लेकिन 24 तारीख से पहले उसे शेयर्स लेने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, पैसा ब्लॉक कराना पड़ेगा, तभी उसका फायदा मिलेगा, नहीं तो उसका ये 1,000 रुपये यानी 50 पैसे लॉस हो जाएगा, राइट ना। और तीसरा चीज है कि आप इसे ऐसे ही छोड़ दो, क्या कर दो, छोड़ दो, भैया जाने दो, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 1,000 भी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा शेयर भी नहीं चाहिए, राइट। इन तीनों बेटर कौन सा है, मेरे हिसाब से सेल कर दो, ये जो प्रॉफिट है आपको जमा कर दिया जाएगा, बात खत्म, मुझे नहीं अप्लाई करना है, मुझे नहीं चाहिए करो फायदा, अगर आप ऐसा चाहते हो अप्लाई मत करो, सेल कर दो, बात खत्म, ऐसे छोड़ना क्यों है, राइट। सो यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये पूरा डिटेल्स आपको मेल में पहले तो आ जाता है, जैसे कि मुझे आ गया है। दूसरा, अगर आपके पास क्वेश्चंस है ना तो यहाँ आप देखो क्लिक हियर पे कर दोगे तो इनके एंजल के थ्रू बहुत सारे फ्यूचर क्वेश्चंस एंड आंसर्स है, जैसे कि व्हाट इज राइट इशू, व्हेन अ कंपनी ऑफर्स इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एन अपॉर्चुनिटी टू बाई एडिशनल शेयर्स एट अ रिड्यूस्ड प्राइस इज नोन एज राइट इशू, राइट ना। यानी कि कम प्राइस में या डिस्काउंटेड प्राइस में बाई करने के लिए शेयर जब कंपनी ऑफर करती है तो उसे राइट इशू कहते हैं। व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ राइट इशू, सो फुल्ली पेड राइट इशू और पार्सली पेड, जैसे कि अभी हमने देखा इसके यहाँ पे यहाँ कहीं तो लिखा था कि आपको 100% पे करना पड़ेगा, तो ये फुल्ली पेड है यानी कि पूरा पैसा भरना पड़ेगा। दूसरा होता है पार्सली पेड, कि आपको पूरा नहीं पे करना है, आपको अभी थोड़ा पे करना है, थोड़ा बाद पे करना है, उससे आपसे डेट रहता है। तो हो गया दो टाइप के राइट इशू। व्हेन आई एम एलिजिबल फॉर राइट इशू, तो वही अगर आपने कंपनी के शेयर्स लेकर रखा है और आप उसे रिकॉर्ड डेट तक वो शेयर्स को रखे हो, तब जाके आप राइट इशू के लिए एलिजिबल हो जाओगे। व्हाई डज कंपनी ऑफर राइट इशू, तो सेम वही देखो यहाँ लिखा है, एक्सपेंड देयर बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्वायर न्यू बिजनेस, न्यू बिजनेस खरीदने के लिए, रीपे ऑल द डेब्ट, कर्जा वगैरह को क्लियर करने के लिए, हाउ मेनी शेयर्स विल गेट अलॉटेड टू मी अंडर द राइट इशू। तो यहाँ जैसे मैंने बताया कि आपको ये रेशियो अनाउंस किया, जैसे आप देखो एग्जाम्पल दिया 1:15, अगर इस तरह से आपको अनाउंस होता है, जैसे कि अगर मान लो जैसे इसका कैसा है, इसका 4:1, यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 4 नए शेयर दिए जाएंगे। जैसे मेरे पास 500 शेयर है ना, तो मुझे कितना मिलेगा, 2,000 शेयर मिलेगा, तो ऐसा रेशियो दिया रहता है, इधर वाला जो आपके पास है और इधर वाला जो आपको नया मिलने वाला है, तो इस तरह से रेशियो दिया रहता है, राइट। डज एवरी कंपनी अनाउंस राइट इशू, ये कंपनी के ऊपर है भाई, कंपनी को पैसे चाहिए तो अनाउंस करेगा। वाई इज RE, राइट, सो क्यों RE, तो वही चीज है कि आप इसे सेल कर सकते हो वगैरह भाई, उसका बेनिफिट ले सकते हो इससे, या कोई और नया बंदा ले सकता है इस तरह से। हाउ आर इज डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर शेयर्स, आर ई शेयर से रेगुलर शेयर से डिफरेंस कैसे, क्योंकि ये भाई राइट इशू के जरिए आपको दिया जाता है और रेगुलर शेयर नॉर्मल शेयर है। वाई इज द डिफरेंस बिटवीन, वाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट इशू एंड RE, राइट। तो राइट इशू और RE के बीच का डिफरेंस है, तो राइट इशू एक प्रोसेस है जिसके जरिए कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है, RE क्या है, RE वो शेयर्स है जो आपको दिया जाता है राइट इशू के जरिए। वेयर कैन आई ऑब्टेन डिटेल्स इंफॉर्मेशन RE राइट इशू, यहाँ देखो दिया है कि आपको ना एक LOO करके ये भेज मेल ऑफर लेटर दिया जाता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो आपको मुझे एक मेल है मेरे पास, सो यहाँ पे देखो दिया है, क्लिक हियर टू डाउनलोड लेटर ऑफ ऑफर, LOO लेटर ऑफ ऑफर, ऐसा आपको लेटर ऑफर लेटर आता है जिसको LOO लेटर बोलते हैं, इसके अंदर है ना पूरा डिटेल दिया रहता है कि भैया ये कंपनी के बारे में रहता है, इस राइट इशू बारे में डिटेल्स दिया रहता है, जैसे यहाँ देखो दिखा देता हूँ मैं आपको,
सो ये यहाँ देखो इक्विटी शेयर्स यहाँ दिया है, देखो 10 रुपए पर शेयर्स आपको ये मिलेगा। उसके बाद आपको बहुत सारे डिटेल्स जो है, सारी डिटेल्स इसके अंदर आपको जो डेट और डेट्स वगैरह सारी चीजें कैसे अप्लाई करोगे ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखो 152 पेज का ये पीडीएफ फाइल रहता है, लेटर रहता है, इसके अंदर पूरा डिटेल्स रहता है। तो आप इसे पढ़ लो आराम से, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी अगर और भी डिटेल्स में आपको जानना है तो इसके अंदर डेट रहता है। दूसरा देखो क्लिक किया डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको अप्लाई अप्लाई करने के लिए भरना है वो दिया रहता है। तो ये देखो एप्लीकेशन फॉर्म में सारा डिटेल्स आपका दिया रहता है, 7 पेज का ये भी है। तो आपको इसमें अपना नाम वगैरह हर एक चीज डिटेल्स आपको देना है, फिर इसे सबमिट करना है, फिर आप अप्लाई कर दोगे। तो इस तरह से ये आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म वगैरह भर के, इसके अंदर पूरा डिटेल दिया रहता है। देखो लास्ट डेट फॉर मार्केट रिनाउंसिएशन यानी कि इसको सेल करने के लिए 18 डेट है, क्लोजिंग जो होगा अप्लाई करने का 24 तारीख है, पर डिटेल्स इसके अंदर आपको दिया रहता है। तो आप इसे देख सकते हो, कर सकते हो। तो चलो आते हैं यहाँ पे, व्हेन विल बी द आरई विल बी क्रेडिट टू माय अकाउंट, तो कब क्रेडिट होगा, तो आ जाता है जैसे जैसे अनाउंस होता है उसके बाद आ जाता है यहाँ पे। फिर आता है आई हैव रिसीव्ड आरई, डज इट मीन आई आई हैव रिसीव्ड राइट इशू, राइट वाले शेयर्स, नहीं राइट आरई मिला इसका मतलब आपको शेयर नहीं मिलेगा, जब तक आप पैसा ब्लॉक नहीं कराओगे तब तक आपको राइट इशू के शेयर्स नहीं मिलेगा। राइट, हाउ फिजिकली शेयर होल्डर कैन गेट, तो फिजिकली शेयर किसी के पास है नहीं, छोड़ देते। व्हाट कैन आई डू विथ माई आरई शेयर, आरई शेयर के साथ क्या कर सकते। देखो यहाँ दिया है 3 ऑप्शंस है, एक तो है कि भाई ओनरशिप के लिए, शेयर्स के ओनरशिप के लिए आप पैसा पे करो, शेयर्स ले लो यानी अप्लाई करो। दूसरा है कि आप इसे बेच दो, राइट मार्केट टाइमिंग पे आप जैसे नॉर्मल शेयर बेचते हो इसे उसको बेच दो, आपको प्रॉफिट मिल दिया जाएगा, मिल जाएगा। और तीसरा है डू नथिंग, कुछ मत करो, अपने आप वो लैप्स हो जाएगा। तो मैंने बताया जैसे कि आपको सेल करना है, हाउ कैन आई अप्लाई पार्टिसिपेट, कैसे हम अप्लाई करते हैं। आप देखो दिया यू कैन अप्लाई फॉर द राइट इशू यूजिंग ऑफ द टू मेथड, तो ऑनलाइन ASBA ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या फिजिकली फॉर्म भर के भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से जो ये डिटेल्स है, अगर आपको और जानना है तो आप मेल में जाइए, यहाँ क्लिक करिए, आप सबको डिटेल्स मिल जाएगा। सो आई होप कि मैं जो समझाना चाहता हूँ आपको पूरा डिटेल्स जानकारी मिल गया राइट इशू के बारे में। तो अगर आपको जानकारी मिला है तो प्लीज एक लाइक बटन जरूर प्रेस करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको जानकारी मिला है या नहीं, या आपको राइट इशू मिला है या नहीं। राइट, सो प्लीज एक कमेंट एक लाइक तो बनता है यार। ओके, सो आई होप जानकारी मिली है, वीडियो शेयर भी करिए ताकि और लोगों को भी इसका फायदा तो हो ही सके। ओके, सो मिलते हैं हम इसी तरह से और वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच। फिर भी आपको कुछ डाउट या कुछ टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।